वेलकम बैक दोस्तों, सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू रिपेयर डैमेज फोटो एंड कलर आइस। डैमेज फोटो को कैसे रिपेयर करते हैं एंड उसको कलर कैसे करते हैं, वो चीज मैं आज इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपका काम कर रहा है। ओके, फर्स्ट मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया है। ये आपका सीसी 2014 फोटोशॉप है, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक डेमो फोटो इसके अंदर डाल देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे फोटो आ चुका है और इसको पहले हम लोग कटआउट करेंगे और इसको थोड़ा साफ करेंगे, उसके बाद कलरेज में प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग कटआउट कर लेते हैं। कटआउट में मैं यहाँ पे 8x11 साइज में रखता हूँ, आप कोई भी साइज का आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कटआउट कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे कटआउट हो चुका है। तो ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए आपको इमेज में जाना है, मूड में जाना है और यहाँ पे ग्रे स्केल जो लिखा हुआ है इसको दबा देना है, ठीक है। और ये आपका ग्रे स्केल हो जाएगा। ओके, उसके बाद इमेज में आना है फिर से और यहाँ पे ऑटो कॉन्ट्रास्ट इसको दबा देना है। इसको जब दबाएंगे तो इस तरह से आपका थोड़ा सा टोन इसका सही हो जाएगा। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करके इसका जितना भी पार्ट है मैं आपको साफ कर देता हूँ इसका। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे पैच टूल यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे देखिए पैच टूल है, ये पैच टूल को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से जो छोटा छोटा आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है आप थोड़ा थोड़ा इसको स्पॉट को ठीक कर लीजिए। आप पैच टूल से भी कर सकते हैं, आप हीलिंग ब्रश टूल से भी कर सकते हैं, जो टूल आपको सही लगे आप उसको उस तरह से कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, किस तरह से आपका वो कलर करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख के आप लोग काम करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। और कलर आइज तो मैं आपका जो मेरा डार्क मैजिक एक्सप्रेस है उसके मदद से मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही इजी है और वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। आपके पास अगर फोटो अच्छा वाला है ब्लैक एंड व्हाइट, उसको कलर करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है, वो मैंने बता दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और बाकी का जो प्रोसेस है मैं आपको ये डार्क मैजिक एक्सप्रेस जो मैंने लॉन्च किया है इसके अंदर से मैं आपको कलर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो ये ऑप्शन है इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर लिखा हुआ है इसको क्लिक करना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन का जो ऑप्शन है इसको दबाना होगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे इमेज में आना है। वो ग्रे स्केल मूड में था तो आपको इसको आरजीबी मूड में कर लेना है। ये आपका आरजीबी मूड में आ गया। अब इसको पूरा कंप्लीट तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट यू एंड बी इसको दबाएंगे तो पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन का जो कलर दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करना है। जब भी क्लिक करेंगे तो एक आपके पास एक ब्रश आ जाएगा और यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है आफ्टर वर्क डन क्लिक एडजस्ट कलर बटन फॉर योर फोटो स्क्रीन। मतलब ये जो एडजस्ट बटन दिखाई दे रहा है इसको कलर करने के बाद क्या करना होगा मैं बता देता हूँ। इसको कंटिन्यू दबाइए, एक ब्रश आ जाएगा आपके पास। तो सिंपल सा काम है, आपको ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लेना है और यहाँ पे 100 यहाँ पे 100 आपका होना चाहिए, ये ऑपेसिटी 100 और फ्लो 100 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा हल्का हल्का करके यहाँ पे ड्रॉ करना है, जितना एरिया में आपको कलर चाहिए खाली उसी एरिया में आपको ड्रॉ करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बहुत ही ईजी तरीका है, ठीक है। आप पूरी तरह से आप कंप्लीट दे सकते हैं बट आंखों के अंदर आपको नहीं देना है, ठीक है। आंखों के ऊपर अगर देंगे तो आंख भी आपका कलराइज हो जाता है तो वो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, गड़बड़ लगता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल दे देता हूं। ये देखिए मैं यहाँ पे आंखों को बचाते हुए मैं यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हेयर के ऊपर आपका चला जाता है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल से काम है, आपको एक्स का जो बटन है कीबोर्ड के अंदर एक्स का बटन है इसको दबाना है। दबाने के बाद हेयर के यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना है तो ये आपका जो कलर है हेयर के अंदर चला गया था ये हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से एक्स का बटन दबाना है और फिर से आप यहाँ से जहां जहां आपको छूट गया है वहां पे आपको कलर कर लेना है। बस इतना सही काम है और ज्यादा कुछ झमेला वाला काम नहीं है, बहुत ही ईजी तरीका है। उसके बाद आपको ड्रेस कैसे कलर करना है, उसके बाद लिप कैसे कलर करना है, वो सारा चीज मैं इसके अंदर दिखाऊंगा। लास्ट में फिनिशिंग टच कैसे देना है वो भी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है।
ये जो आंख नाक के ऊपर जो नाक के अंदर जो जो काला पार्ट है इसके अंदर आपको नहीं देना है, ठीक है। अब इसको आप कलर कर लीजिए, होठों के ऊपर कलर कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बाद में अगर होठों को छोड़ दीजिएगा, बट अगर अंदर आपको घुस रहा है थोड़ा सा उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बाहर बाहर कीजिएगा अच्छा होगा। अब होठों को छोड़ दीजिएगा, होठों को थोड़ा सा हल्का सा कलर इसमें टोन ऐड करना है इसलिए मैंने छोड़ दिया है। तो देखिए ये कितना आसानी से आपका घिस घिस के आपको करना है, बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लियर एकदम कलराइज सबका हो जाता है। इसके कलर टोन भी आप सेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी टेक्निक है और इस सॉफ्टवेयर की मदद से तो और भी आसान हो जाता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, ओके। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट आइकन, इसको क्लिक करना है। इसको जब भी आप क्लिक करेंगे तो एक कलर बैलेंस का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, आप यहाँ से थोड़ा सा कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शैडो में जाके थोड़ा सा आप यूल अटैच कर दीजिए और साइन में थोड़ा सा अटैच कर दीजिए, और यहाँ पे हाईलाइट में जाके थोड़ा सा ब्लू और थोड़ा सा साइन ऐड कर दीजिए। बस ये हो गया कलर आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए, यहाँ पे फिनिश जो बटन है इसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सो गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो कमीज है, ये जो कमीज पहना हुआ है इसको कलर करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे कमीज का जो आइकन दिखाई दे रहा है क्लॉथ कलर, इसको आपको क्लिक करना है। जब भी क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, इसमें घबराइए मत, आपको खाली कलर दिखाने के लिए ये दिखा रहा है। आपको सिंपल से काम है, आपको यहाँ पे कलर चूज कर लेना है, शर्ट के ऊपर आपको नजर रखना है। अब बाकी जहाँ पे कलर दिखाई दे रहा है वो भूल जाइए, खाली शर्ट के ऊपर आप नजर रखिए। तो शर्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे साइन कलर मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा ग्रीनिश दे दिया, शेडो में जाके थोड़ा सा मैंने ब्लू ऐड कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा साइन ऐड कर दिया, और हाईलाइट में जाके मैं थोड़ा सा साइन और थोड़ा सा ब्लू ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कलर हो गया। अब इसको ओके कर देंगे तो ये आपका दिखाई नहीं देगा, ओके। उसके बाद सेम तरीका है, इसको कंटिन्यू कीजिए, आपके पास ब्रश आ जाएगा, ब्रश को लेकर आपको सिंपली इसको घिसना है। अब पहले आपको जो जो कंधे के ऊपर जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिलेक्शन करके आपको यहाँ से हल्का सा ड्रॉ करके आपको लेके जाना है इस तरह से। ये आपका अंदर भी चला जाए कोई टेंशन नहीं है, आप एक्स का बटन दबा के इसको मिटा भी सकते हैं, इस तरह से मिटा भी सकते हैं, ठीक है। अब ये एक्स का बटन दोबारा दबाया और फिर से मैंने कलर करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कलर कितना तक जाता है आपका, यहाँ तक मैंने कलर कर दिया और यहाँ पे जो आपका कलर है इसके अंदर मैं आपको दे देता हूँ। जो जितना एज का एरिया है वो पहले आप कर लीजिए, उसके बाद ब्रश को बड़ा करके खाली घिस दीजिए, बस सिंपल से काम। अब मैंने ब्रश को बड़ा कर दिया और इसको यहाँ से घिस दी, ठीक है। ज्यादा झमेला वाला काम नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है। और इसको मैंने कर दिया, इसको यहाँ से ये कंप्लीट कर दिया। अब ये हो गया आपका कलर, ठीक है। उसके बाद इसका भी सेटिंग है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडजस्ट कलर में, आप यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ब्लू और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मैजेंडा ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे साइन भी या फिर रेड साइन ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे शैडो में जाके आप थोड़ा सा मैजेंडा ऐड कीजिए और थोड़ा सा साइन ऐड कीजिए, ये थोड़ा सा डार्क होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिखाई देता है। अब इसको कंटिन्यू कर दीजिए और इसको सिंपल आपको फिनिश वर्क में क्लिक कर दीजिए, ओके। तो ये हो गया, होने के बाद ये पूरी तरह से पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को पहले आपको साफ करना है, उसको ठीक करना है, उसके बाद ही आपको कलराइज में जाना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे होठों का जो कलर है मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको क्लिक करना है। जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्रश आ जाएगा, फिर से आपको यहाँ से होठों में आपको ड्रॉ करना है। तो इसको छोटा सा कर लीजिए एक बार, छोटा एकदम, और यहाँ से पहले थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, और यहाँ से आपको पहले लाइन को खींच देना है। तो ये पिंक कलर का आ रहा है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे आपका दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ कि ये कलर आपका ये यहाँ पे पकड़ रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा, और इसके अंदर बीच में आपको घिस देना है। तो ये कंप्लीट तरीके से आपका जब कलर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। ये हो गया, आप एक्स दबा के जहां जहां आपको ज्यादा लग रहा है वहां पे आपको हटाना है। तो ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको लेयर पैनल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो ऊपर में जो आपको ये चीज दिखाई दे रहा है ये आपका एडजस्टमेंट
ह्यू सैचुरेशन का एडजस्टमेंट लेयर है, इसके ऊपर क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो इसका आपका सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर दीजिए, और इसमें आप कलराइज में आप इसको इधर उधर चूज करेंगे तो आपका कलराइज आपका दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं इतना तक रखता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, और इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कलर आपका डिसेंट टाइप का कलर आपका यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, आप देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से आपका ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप इसको कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे फिनिश का जो बटन है इसको एक बार क्लिक कर दीजिए, तो फिनिश कंप्लीट हो गया। अभी आपका यहाँ पे क्या करना है, बैकग्राउंड को चेंज करना। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए उसको क्या करना होगा, आप किसी भी टाइप का बैकग्राउंड कटर आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिल्टर यूज कर रहा हूँ, टोपास लैब रिमार्क्स 5। ठीक है, आपके पास अगर टोपास लैब रिमार्क्स 5 नहीं है तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, आपको व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना होगा, तो किस तरह से लेना होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोपास लैब रिमार्क्स को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपके पास एक विंडो खुलेगा, आपको सिंपल सा काम है, आपको खाली इसको ड्रॉ करना है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, और यहाँ पे आपको खाली ड्रॉ करना है, एज के ऊपर थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा बाहर आपको ड्रॉ करना है। यहाँ से आपको ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, ये देख सकते हैं मैं यहाँ से ड्रॉ कर लूँ, बहुत ही आसानी से ये हो जाता है, एकदम सिंपल से काम है, इसमें कुछ झमेला वाला कोई काम नहीं है, बहुत ही इजी काम है। आप लोग भी बैठे बैठे आप कर सकते हैं, और बहुत पैसा अर्निंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा मिलता है ये सब करने में। ठीक है, उसके बाद ये सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद ये रेड कलर का जो फील बटन है इसको दबा देंगे, और इसके बाद कंप्लीट मास में क्लिक कर देंगे। उसके बाद मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। अब सिंपल सा यहाँ पे ओके का बटन इसको दबा देना है, तो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे एक लेयर बन गया है, ये आपका कंप्लीटली देखिए बैकग्राउंड गॉन। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस बैकग्राउंड को चूज करते हुए यहाँ पे जो एडजस्टमेंट आइकन है इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे सॉलिड बैकग्राउंड आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए सॉलिड कलर इसको लेना है, और यहाँ पे ब्लू कलर का जो टोन आपको दिखाई दे रहा है ब्लू में क्लिक कीजिए, या फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का कलर आप ऐड कर सकते हैं, थोड़ा लाइट कलर ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। ओके, तो ये कम्प्लीटली आपका हो चुका है। होने के बाद आप इस फोटो के ऊपर आपको क्लिक करना है, और इसका जो डार्क जो हेयर है इसको भी थोड़ा सा आपको बांध कर लेना है, जहां जहां आपको हल्का सा आपको थोड़ा फेजीनेस दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा बांध कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जहां जहां आपको शेड देना है हल्का फुल्का आप शेड दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, और आपको ब्रश को थोड़ा सा छोटा करना है, और इसका जो आईब्रो है इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना है, और आंखों के जो पुतलिया है इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम हो जाता है। ओके, आप यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है इसको आप रिमूव कर लीजिए, जो भी आपको छोटा मोटा पार्ट दिखाई देगा उसको आप रिमूव कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल सा यहाँ पे जो फेजीनेस है हल्का सा फेजीनेस आपको शो करेगा, यहाँ पे देखिए हल्का सा दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा आपको यहाँ पे इस लेयर को चूज करते हुए लेयर में जाना है, और यहाँ पे मैटिंग बोल के लिखा है यहाँ पे डी फ्रिंज। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे 3 और 4 इस्तेमाल कीजिए, फोटो के ऊपर वैरी करता है, तो आप जो भी अमाउंट है आप डाल के देखिएगा, नहीं हुआ तो बैक करके दोबारा डालिएगा। तो मैं यहाँ पे 4 इस्तेमाल कर रहा हूँ, 4 पिक्सल, इसको मैं ओके कर दूंगा, तो इसका जो हल्का फुल्का जो फेजीनेस है वो गायब हो जाएगा। अब मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा, तो देखिए मैं आपको कंट्रोल जेड करके दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा फेजीनेस आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ जाता है। तो ये आपको इस तरह से आपको ब्लैक एंड व्हाइट से कलर कर लेना है, और इसको मैं पूरा कंप्लीट तरीके से मार्च कर लेता हूँ, इसको फिनिश कर देंगे तो ये मार्च हो जाएगा। ओके, तो ये कंप्लीट आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो स्किन टेक्सचर है इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए आपको कोई भी फिल्टर आप यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्किन फाइनर है, जो भी आपका ऑप्शन मिलेगा आप उससे आप उसको स्किन को फाइनर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया स्किन फाइनर में, अब थोड़ा सा यहाँ पे स्किन फाइनर को मैं यूज करूंगा थोड़ा सा स्किन को स्मूथ करने के लिए, और पूरा फोटो को थोड़ा सा हल्का फुल्का ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल मैं करूंगा। ठीक है, तो ये स्किन फाइनर ओपन हो रहा है, तो ये देख सकते हैं स्किन फाइनर ओपन हो चुका है, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है स्किन को, और आपको खाली इसको फेदर में डालना है थोड़ा सा, और इसको फाइन में डालना है, और बाकी सब आपका ऑटोमेटिक ले लेता है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्मूथनेस आपका हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे जो ब्राइटनेस है आप इसको थोड़ा सा घटा भी सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और इसका जो स्किन टोन है, स्किन टोन आपका स्किन टोन का जो ब्राइटनेस है
वो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ा सा घटाएंगे तो इस तरह से दिखेगा, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो मैं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा बढ़ा देता हूँ, और शैडो का जो पार्ट है आप थोड़ा सा रखिए, ठीक है, जैसे आपका फोटो है उस तरह से आपको रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से काम है, यहाँ पे ओके का जो बटन है इसको दबा देना। जब भी आप ओके का बटन दबाएंगे तो इसका फोटो का पूरा लुक ही आपका चेंज हो जाएगा, एकदम बहुत ही बढ़िया सा एक लुक दिखाई देगा आपको। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये स्किन को भी आपका स्मूथ कर दिया। मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा हल्का जो आपका जो शेप में फोटोस के अंदर जो आपका सेट हल्का हल्का रहता है, अब मैं स्किन फाइनर के अंदर से मैं जब किया हूँ तो उसके बाद आपका इस तरह से स्मूथनेस आपका दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हैंड टूल है, यहाँ पे देखिए आपका ब्लर टूल है, ब्लर टूल को सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना इतना सा, और जहां पे आपको थोड़ा सा ग्रेनी भाव दिखाई दे रहा है वहां पे हल्का सा आपको ड्रॉ कर लेना, एक बार आपको ड्रॉ कर लेना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका देखिए बहुत ही स्मूथ तरीके से आपका ये कलर हो गया, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हो गया, डैमेज फोटो से हम लोग कलर कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको इसको और भी क्रिस्पी लुक देना है तो कंट्रोल जे दबाइए, और उसके बाद आपका यहाँ पे फिल्टर में आइए, अदर्स में आइए, हाई पास ऐड कीजिए, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड कितना करना है इसका अमाउंट आपको चूज करना है, आपका फोटो के ऊपर वेरी करता है। अब मैं यहाँ पे 4 देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आंखों का जो फोटो का जो विजिबल है आंखों का दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3 दे देता हूँ तो ये हल्का सा दिखाई दे रहा है, तो इतना सा आपका रहना चाहिए। इसको ओके कर देंगे, ओके करने के बाद आपको यहाँ पे जो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड बोलते हैं इसको, इसको आपको चेंज करना है विविड लाइट या फिर सॉफ्ट लाइट, इसमें आपको चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे विविड लाइट करके देखूंगा, जब मैंने विविड लाइट किया तो इसको मैं बंद करके आपको दिखाता हूँ, रुकिए थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा आपका ब्लरीनेस आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको करने के बाद अब देखिए ये ब्लरीनेस आपका हट गया बट थोड़ा सा ग्रेनी भाव आ गया, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ग्रेनी भाव आएगा तो तभी जाके आपका डिटेल्स बाहर आता है, नहीं तो ये नहीं आता है। तो थोड़ा सा हल्का सा ग्रेनी भाव और इसमें रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको कम करना चाहते हो तो इसको ऑपेसिटी थोड़ा सा कम कर दीजिए और इसको फिनिश कर दीजिए, तो ये हो गया कंप्लीट आपका फोटो रेस्टोरेशन टू कलर, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से आपका कलर हो गया, और मैं इसका बिफोर आफ्टर आपको दिखा देता हूँ। गो टू नॉर्मल में जाता हूँ, अब यहाँ पे देखिए ये, और इसको मैं जूम कर लेता हूँ, आप देखिए यहाँ पे ये, ठीक है। आप बोलिए कौन सा फोटो आपको बेहतर लग रहा है, ये फोटो कि ये फोटो, ठीक है। इस तरह से आपको कलर कर लेना है, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको करना है। अगर इस सॉफ्टवेयर को आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आपको एक देखिए ऊपर में लिंक दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप एक बार क्लिक कीजिएगा, इसके मदद से आप एल्बम डिजाइन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, PhD टेम्पलेट बना सकते हैं, सब्लिमेशन का काम कर सकते हैं, और भी स्टूडियो का बहुत सारा काम इसके अंदर आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, स्टूडियो पासपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, स्टूडियो का हर काम इसके अंदर से आपका हो जाता है। तो इसको आपको खरीदने के लिए आपको जो मैंने लिंक आपको बताया था यहाँ पे जी शो हो रहा था उसको दबाइए, या फिर आपका जो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया, या फिर आप यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए डार्क मैजिक एक्सप्रेस, उसको सर्च कीजिए तो इस वाला का जो वीडियो है पूरा कंप्लीट वीडियो आ जाएगा, ओके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।